अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ हमारी वेब स्मार्टफोन सीरीज। सो टुडे वी हैव वीवो Y33S फॉर रिव्यू। इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग हम पहले ही अपने पेज पे कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट अ फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट अवर रिव्यू ऑफ वीवो Y33S। ये एक मिड रेंज डिवाइस है जो अराउंड 38,000 के प्राइस टैग में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की गई है। यहां आपको एक ट्रेंडी और स्लिम डिजाइन मिलता है। इस मोबाइल फोन की थिकनेस 8 मिलीमीटर है एंड द वेट इज अराउंड 128 ग्राम्स। ये डिवाइस आपको प्लास्टिक बेल्ट में दी गई है। जैसा कि इस डिवाइस के कलर के नाम से ही पता लग रहा है कि इस डिवाइस में कोई मिरर इफेक्ट दिया गया है, तो बिल्कुल अगर आप मोबाइल फोन की बैक देखें तो यहां आपको मिरर लाइक इफेक्ट मिलता है। ये डिवाइस दो कलर्स में आपको मिलेगी, जिसमें मिरर ब्लैक कलर जो आज हमारे पास मौजूद है और दूसरा मिड डे ड्रीम कलर। ये फोन फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, यहां बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट स्मजेस वाजे होते हैं, सो इट्स बेटर टू यूज द सिलिकॉन केस जो आपको बॉक्स में साथ मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.58 इंचेस का एलसीडी पैनल दिया गया है विद अ रेजोल्यूशन ऑफ 2408x1080। यहां आपको एमुलेट पैनल नहीं मिलता, हालांकि वीवो एक ऐसा ब्रांड है जो कम प्राइस टैग में आपको एमुलेट डिस्प्ले दे रहा होता है, बट स्टिल ये एक FHD+ पैनल है जहां डिस्प्ले के कलर्स, व्यूइंग एंगल और कॉन्टेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी कमाल के हैं। इंटरनल्स की बात करें तो यहां आपको मीडियाटेक हीलियो G80 का चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ आपको 128GB की स्टोरेज और 8GB की रैम दी गई है, जबकि आपको 4GB तक की एक्सटेंडेड रैम का भी ऑप्शन मिलता है। जबकि अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहां आपको काफी स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है। अब चाहे आपका डेली यूजेज हो मोबाइल का या फिर आप गेमिंग कर रहे हैं। As we have played some games like PUBG and Asphalt 9, the performance of the phone was good. Na hi koi lagging feel hui aur na hi koi heating issue aaya. Jabki software ki baat ki jaye, to yahan aapko FunTouch OS 11.1 milta hai, which runs on Android 11. Battery aapko 5000 mAh ki di gayi hai, which supports 18 watts of fast charging. Vivo Y33S में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा आपको फोन अनलॉक करने के लिए फेस आईडी का भी ऑप्शन मिलता है एंड दे बोथ परफॉर्म्स क्वाइट फास्ट एंड एक्यूरेट। फाइनली अब हम बात करते हैं कैमरा की, तो यहां आपको बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है अलॉन्ग विद ड्यूल फ्लैश लाइट, जिसमें मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का और उसके साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो सेंसर दिया गया है, जबकि फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर प्लेस किया गया है। फ्रंट और बैक दोनों कैमरास के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। पिक्चर्स की कलर सैचुरेशन, डायनामिक रेंज और डिटेल्स काफी सेटिस्फाइंग हैं। कुछ सैंपल्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो वीवो Y33S से लिए गए हैं डिफरेंट मोड्स में। वीडियो की बात करें तो यहां आप 1080 तक की रेजोल्यूशन पे वीडियो शूट कर सकते हैं, जहां आपको स्टेडी वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी दिया गया है। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचता रहे। Thank you for watching and stay connected to HamariWeb.com.